मध्य प्रदेश के छठवीं से लेकर बारहवीं क्लास के छात्र छात्राएं प्रदेश के नशा मुक्त करेंगे। इसके लिए हर स्टूडेंट को 5 लोगों से साइन करवाना होंगे। बच्चों ने एक इमोशनल लेटर लोगों को दिया जाएगा। इस सब उन्हें नंबर यानी 6 माही परीक्षा से पहले करना होगा। 1 दिसंबर से 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास की परीक्षाएं होना है। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं निशक्त जनक कल्याण विभाग मंत्रालय प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। नंबर 6 दिवसीय विशेष कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन कक्षा 6 से 12 के छात्रों के द्वारा चलाए जाएंगे। छात्र समाज के 5 व्यक्तियों के पास जाकर उनकी सहमति हस्ताक्षर करवाकर निर्धारित संचार प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन इसे अपलोड करेंगे। यह पत्र में आपको एक खास काम लिख रहा है। यह कारण है कि हम बच्चों का हमारे परिवार के ओर से हमारे समाज के सम्मुख में और स्वस्थ भविष्य का मेरा मानना है कि स्वस्थ और सुखी भविष्य के लिए वर्तमान में नशा मुक्त समाज का निर्माण करना आवश्यक है। आपको शायद पता भी नहीं, बीड़ी सिगरेट पीने वालों को धुआं जब कभी हम बच्चों की नाक तक पहुंचता है तो हमारा सांस लेना मुश्किल है। आप शायद यह भी आभास नहीं कर पाते होंगे कि उस बच्चे को अपने मित्रों के बीच कितनी हीन भावने से जीना पड़ता है, जिसके परिवार से किसी सदस्य को उसके दोस्त सहेलियां नशे ही दिखते हैं। हाँ, आप तो हम बच्चों से बड़े हैं, तो आप अनुभव भी हमसे कहीं ज्यादा होगा। आप तो बेहतर जानते होंगे कि शराब, ड्रग्स या अन्य नशों ने कितनी ही परिवार को आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक रूप से बर्बाद किया है। इसके लिए हम बच्चों ने अपनी शाला में यह तय किया है कि हम अपने स्वयं के स्वास्थ्य और सम्मान की दृष्टि के जीवन भर तंबाकू, धूम्रपान, शराब या अन्य किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। अगर आप भी हम बच्चों के साथ हैं और इन भावनाओं के अनुरूप स्वयं को अपना समाज, प्रदेश के देश और दुनिया के नशा मुक्त बनाने में तैयार है, तो कृपया हमारा बाल आग्रह आप स्वीकार, और अगर आप कोई ना करते हैं तो इसे छोड़ दें। एक और कि आप अपने परिवार और पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें कि वे नशे में स्वर्ग दूर रहे और नशा मुक्त परिवार समाज और राष्ट्र निर्माण की दृष्टि में अन्य परिजनों को भी प्रेरित करें। अभियान के बच्चे युवा महिलाएं फोकस पर हैं। साथ ही अपने बच्चों को नशा मुक्त रखने के लिए महिलाओं के सशक्त करने का विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिला कलेक्टर के सहयोग से 10-15 विषय विशेषज्ञों को तैयार करना होगा, जिसके लिए सामाजिक न्याय एवं निशक्त जनक कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों में जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स, रिसोर्स पर्सनल एवं वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।